है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन, जिसे आपको याद रहे कि कब लगेगा, कंपोजिट फंक्शन के डिफरेंशिएशन। कंपोजिट है ना, कंपोजिट फंक्शन क्या होते हैं, जब कोई भी फंक्शन में एक्स के प्लेस पर कोई और फंक्शन आ जाता है। स्टैंडर्ड फंक्शन है साइन एक्स, उसमें लॉग आ गया एक्स की प्लेस, साइन ऑफ लॉग एक्स हो गया, ठीक है। ई की पावर एक्स स्टैंडर्ड फंक्शन है, एक्स की जगह टेन एक्स आ गया, ई की पावर टेन एक्स, इट इज कंपोजिट फंक्शन। तो इनका डिफरेंशिएशन चेन रूल से होता है। तो मैं पहले ट्वेल्थ का मेथड बता देता हूँ, ठीक है, सुनना, ठीक है, पेशेंस रखना, मैं बड़े पेशेंस से बताता हूँ। सबसे पहले इसको टी मानेंगे, इसको लेट जी ऑफ एच एक्स इक्वल टू टी, ठीक है। तो वी गेट वाई इक्वल टू एफ ऑफ टी। नाउ डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू डी एफ ऑफ टी बाय डी एक्स, पहले देख लें अच्छे से, ठीक है, समझ लें। अब क्योंकि ये टी का फंक्शन है, एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव नहीं होगा, टी का फंक्शन है एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव नहीं होता, तो क्या करते हैं, ध्यान से सुने, आगे भी अपन यूज करेंगे इसे, हम इसे ऐसे लिखेंगे डी एफ ऑफ टी, डी और डी एक्स को अलग अलग लिख देंगे, और डी टी का डिवाइड डी टी का मल्टीप्लाई, ठीक है। नाउ दिस इज अ फंक्शन विल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, सो इट इज एफ डैश टी एंड पुट वैल्यू ऑफ टी। नाउ व्हाट इज टी, टी इज जी ऑफ एच एक्स, अभी खत्म नहीं हुआ। नाउ लेट एच एक्स अंदर वाले फंक्शन को, जैसे इस पूरे अंदर एक फंक्शन को छोड़ के टी माना था, ऐसे इसके अंदर वाले फंक्शन को लेट एच एक्स इक्वल टू यू, सो इट इज एफ डैश, यहां पर टी की वैल्यू आप रख दें, जी ऑफ एच एक्स डी वाई बाई डी एक्स जी ऑफ यू इज डी वाई बाई डी एक्स। नाउ अगेन क्या करेंगे, वही जी ऑफ एच एक्स डायरेक्ट लिख दूं, डी जी ऑफ यू डी एक्स डी यू का डिवाइड और मल्टीप्लाई, इट इज एफ डैश ऑफ जी ऑफ एच एक्स, इट इज जी डैश यू एंड पुट द वैल्यू ऑफ यू, यू इज व्हाट इज यू, इट इज एच एक्स। तो फाइनल आंसर है, इट इज एफ डैश ऑफ जी ऑफ एच एक्स इंटू जी डैश ऑफ एच एक्स एंड इंटू एच डैश एक्स, दिस आर ट्वेल्थ बोर्ड, ठीक है। अब हम बात करते हैं जेई की, जेई में ये लिखा हुआ है वाई इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एच एक्स। जेई में क्या होता है, जैसे जैसे अपन बोलते हैं वैसे डिफरेंशिएट करते हैं, नहीं समझ में आए तो एरो लगाओ, पहले डी वाई बाई डी एक्स, कैसे बोल रहे हैं इसे, एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स, तो पहले जो होगा उसका डिफरेंशिएशन पहले, तो f का पहले, तो f डैश बाकी अंदर सेम, फिर इनटू, फिर एरो आएगा g पे, तो g डैश एच एक्स, फिर h पे एच डैश एक्स, एंड देन x पे इट इज वन, ठीक है। तो आप रफ के लिए इसका यूज कर सकते हैं चेक करने के लिए, लेकिन लिखना है ऐसे ही है गुरु, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलते। क्वेश्चन में बता दूंगा, लिख तो ले, इसमें बना के देख, ऐसा ये वाले में मत करना, ये तो मेंस का ही क्वेश्चन होगा, इतने सारे कंपोजिट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तीन है, इसको ट्वेल्थ बोर्ड और जेई मेंस से दोनों से बना के देख लो, बाकी मैं ज्यादा क्वेश्चन इसके कराऊंगा नहीं। हम गलत पढ़ते हैं, जैसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ने वाले भी तो समझदार हैं अपन, इट इज नॉट साइन स्क्वायर एक्स, इट इज स्क्वायर ऑफ साइन एक्स। तो स्क्वायर पहला बोला, तो पहले एरो में क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, तो एक्स का स्क्वायर क्या होता था, टू एक्स, तो टू साइन एक्स, पहले एरो लगेगा ब्रैकेट पे, फिर अंदर जाएगा साइन एक्स का कॉस एक्स, तो वी विल से दैट वाई इज इक्वल टू, ये है साइन ऑफ टू एक्स होल क्यूब। तो लेट क्या लेट करें, पहले साइन ऑफ रूट एक्स को टी मानेंगे, इट इज वाई इज इक्वल टू टी क्यूब, कितना शानदार दिख रहा है, मतलब डी वाई बाय डी एक्स तो डी वाई बाय डी टी ऑफ टी क्यू इंटू
dt by dx. ठीक है, सो दिस इज 3t square एंड dy by dx, पुट the value of t, t इज साइन ऑफ रूट x. नाउ अगेन व्हाट वी विल से, लेट रूट x इक्वल टू यू. सो लेट रूट x इक्वल टू यू, सो दिस इज dy by dx, dy by dx इक्वल टू कितना गया था 3t, t की जगह साइन रूट x, और dy by dx इज साइन ऑफ u. देन अबाउट u, नॉट अबाउट u, इट्स अबाउट u, सो इट इज dy by du ऑफ साइन u इंटू du by dx, खत्म. सो इट इज 3 साइन ऑफ रूट x होल स्क्वायर, साइन का हो जाएगा cos u, और इसका u की जगह u कितना था लिखना पड़ेगा वैसे, u इज रूट x. तो फाइनल आंसर इज 3 साइन रूट x होल स्क्वायर. कितना कष्ट आ रहा होगा ना तुम्हें लिखने में, देखने में ही कष्ट आ रहा. बहुत अच्छा क्वेश्चन था, e टू द पावर रूट ऑफ साइन ऑफ log ऑफ x स्क्वायर प्लस 7, बच्चों यही था ना. ठीक है, देखो जैसे जैसे पढ़ते पढ़ेंगे उसके हिसाब से डिफरेंशिएशन. e टू द पावर x का e टू द पावर x होता है, तो पहले एरो आएगा e पे, तो e टू द पावर रूट जो लिखा है वैसे वैसा लिख देंगे, फिर आएगा रूट पे, रूट पे, तो रूट x का होता था 1/2 √x, तो 1/2 √. ठीक है, रूट मतलब ये पूरा साइन ऑफ log ऑफ x स्क्वायर प्लस 7, फिर एरो आएगा किस पे, साइन पे, तो साइन का cos, cos ऑफ log ऑफ x स्क्वायर प्लस 7, देन log, log का 1 बाय और x की जगह जो भी लिखा है x स्क्वायर प्लस 7, एंड देन x स्क्वायर प्लस 7 का 2x. ये आंसर है. ठीक है, बहुत बढ़िया. हाँ भाई, तो मैं पहले फॉर्मूला लिखवा देता हूँ, उसके बाद ये कुछ हम शुरू करें. मेरे साथ ही लिखते चलना फटाफट, जिससे टाइम बचेगा. dy by dx ऑफ x टू द पावर n एंड x टू द पावर n माइनस 1, dy by dx ऑफ e टू द पावर x, z टू द पावर x. और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बच्चों, फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के याद कर लें. इंडेफिनिट इंटीग्रेशन बिल्कुल खा जाएगा तुम्हें, मतलब कुछ भी तुम्हारा, तुमसे कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा आपको अगर आपके फॉर्मूले तैयार नहीं है तो. ठीक है, टाइम है अभी अपने पास, करीबन 1-1.5 वीक है, आराम से फॉर्मूले फिर से देख लें. और आपको थोड़ा थोड़ा डाउट आ सकता है किसमें प्लस आ रहा है किसमें माइनस, जैसे साइन इनवर्स में प्लस आता है कॉस इनवर्स में माइनस आता है, सेम फॉर्मूला होता है, टेन इनवर्स में पॉजिटिव है कॉट इनवर्स नेगेटिव है. ठीक है, क्या इनवर्स का साइन है वो,
लगे कुछ नहीं कर सकते। अच्छा मैं ये बोल रहा हूँ कि कभी भूल जाएं अगर आप, तो याद रखें इन तीनों को, याद रखें साइन इनवर्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन था, याद है? नहीं याद रहे तो साइन एक्स को याद करना, साइन एक्स माइनस पाई टू से पाई टू के बीच इंक्रीजिंग था, ये डिक्रीजिंग था और टेन एक्स इंक्रीजिंग था, बस इतना याद रखें, ठीक है? तो अगर ये इंक्रीजिंग था तो इसका डेरिवेटिव, क्योंकि फंक्शन इंक्रीजिंग है तो डेरिवेटिव क्या होगा, पॉजिटिव होगा, डीवाई डी एक्स पॉजिटिव आएगा, जो डिक्रीजिंग होता है उसका डेरिवेटिव निगेटिव आएगा, टेन वर्स एक्स इंक्रीजिंग था तो उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है, उसका उल्टा हो गया तो वो निगेटिव आएगा। अब कॉसेक, कॉसेक जो है वो बनाए वन बाय साइन से, अगर साइन इंक्रीज करेगा तो कॉसेक डिक्रीज करेगा, और अगर वो डिक्रीज करेगा तो उसका साइन निगेटिव आएगा। भाई कॉस डिक्रीजिंग था तो उसका रेसिप्रोकल इंक्रीजिंग होगा, उसका डेरिवेटिव। हाँ यहाँ बहुत जगह मॉड आता है, आप चाहो तो लगाओ, नहीं लगा इनडेफिनेट में ये मान के चलते हैं कि वो डिफरेंशिएबल है, ठीक है? ऐसी लॉग एक्स का भी वन बाय मॉड एक्स होता है, आप चाहें तो लगाएं, कोई दिक्कत नहीं। इसके दो केस हैं, फर्स्ट केस लिख लो आप, उसके अपने कॉन्ट्रडिक्शन भी हैं कि कब यूज नहीं करेंगे, वो भी मैं सिखाऊंगा, ठीक है? जैसे एग्जांपल से समझा रहा हूं, क्वेश्चन दिया था वाई इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू ई टू द पावर एक्स बाय एक्स प्लस टू होल स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब। अब अगर मैं आपसे कहूं इसका डिफ्रेंशिएशन करो तो डिविजन रूल से बहुत मुश्किल है, क्योंकि डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर सेम, फिर इसका डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट रूल से होगा पहले, फिर माइनस आएगा, फिर ये सेम, फिर इसका डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल से होगा, उसके अंदर चेन रूल भी लगेगा, टफ पड़ेगा। उसकी बजाय क्या किया हमने, दोनों तरफ लॉग लिया, ठीक है? तो इसको लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वन होल पावर वन बाई टू इंटू ए की पावर एक्स, एक्स प्लस टू होल स्क्वायर एक्स क्यूब, ठीक है? तो लॉग क्या होगा, लॉग ए अपॉन बी, सो लॉग वाई कितना हो गया बच्चों, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन टू द पावर वन बाई टू इंटू ई की पावर एक्स माइनस लॉग एक्स प्लस टू होल स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब, ठीक है? देन लॉग वाई इक्वल टू, अब लॉग ए इंटू बी, सो इट इज लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन टू द पावर वन बाई टू प्लस लॉग ई की पावर एक्स माइनस लॉग एक्स प्लस टू होल स्क्वायर, माइनस ही आ जाएगा, वो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा, समझ में आ रहा है? लॉग ऑफ एक्स क्यूब, और थोड़ा सॉल्व कर लें, लॉग वाई ये वन बाई टू इंटू में, अरे लॉग की वैल्यू की पावर होती है तो प्रोडक्ट में जाती है, ठीक है? तो लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये एक्स इंटू में, लॉग ई वन होता है, माइनस ये टू इंटू में, माइनस थ्री लॉग एक्स, ठीक है? डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखो लेफ्ट हैंड साइड का, एक मिनट लाम बहुत देर से बज रहा है, डिफरेंशिएशन करेंगे एलएचएस का डिफरेंशिएशन चेन रूल से, देखो पहले लॉग का होगा, लॉग का क्या होगा वन बाय वाई, है ना? चेन रूल लगा रहा हूँ, लॉग का होगा वन बाय वाई, और वाई का डी वाई बाई डी एक्स या वाई डैश, एक ही बात है, ठीक है? इक्वल टू, इसका भी चेन रूल वन बाई टू, पहले से पहले लॉग आ रहा है तो वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, और फिर एक्स स्क्वायर का बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वन का डेरिवेटिव टू एक्स, प्लस इसका हो गया वन, फिर माइनस, फिर इसका हो जाएगा क्या टू अपॉन एक्स प्लस टू, एंड इट इज माइनस थ्री बाय एक्स, वाई को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो वाई डैश इक्वल टू वाई इंटू जो भी आ रहा है, टू से टू कट गया, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन,
plus 1 minus 2 by x plus 2 and minus 3. आंसर. अब आप y की वैल्यू जो भी क्वेश्चन था वो रख देंगे, आंसर आ जाएगा. ये समझ में आया? ठीक है. तो ये वो केस हैं जब नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट होती हैं. इनफाइनाइट प्रोडक्ट में हैं उसको नहीं करते, फाइनाइट नंबर ऑफ प्रोडक्ट में कर सकते हैं. इसका एक कॉन्ट्रडिक्शन है, ये कब नहीं लगाना है. अगर आपको कुछ भी नहीं दिया हुआ है, केवल ये देखे डी वाई डी एक्स बोल रहा है, तो कुछ चेक नहीं करना है, सिंपल लॉग लें, जो अपन ने किया वो कर दें. लेकिन अगर ये इसके डी वाई वाई डी एक्स की वैल्यू आपको किसी कॉन्स्टेंट में पूछ रहा है, मान लो इसी क्वेश्चन में हमसे लिखता कि दिस फाइंड डी वाई वाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू माइनस वन, एक्स की वैल्यू माइनस वन पर निकालो, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि लॉग लेने से पहले अंदर की वैल्यू निगेटिव तो नहीं हो रही, क्योंकि इसके डोमेन में ही डिफाइन नहीं होगा. तो मैंने माइनस वन रखा, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, ई की पावर माइनस वन पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, लेकिन ये माइनस हो गया, तो पूरी क्वांटिटी को क्या कर देगा, माइनस. या आप पूरी क्वांटिटी भी नहीं सोचें, आप जब लॉग करके इसको सेपरेट करेंगे, लॉग के अंदर निगेटिव आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है. तो कभी अगर क्वेश्चन में वैल्यू नहीं दी हुई है, डायरेक्ट डी वाई डी एक्स पूछ रहा है, तो लॉग लगा के कर सकते हैं. दी हुई है तो एक बार चेक जरूर करें कि कहीं लॉग के अंदर की वैल्यू जीरो या निगेटिव तो नहीं हो रही है. समझ आ रहा है? जैसे है बेटा प्रोडक्ट रूल या डिवीजन रूल से, हाँ पूरा वैसे क्या कर सकते हैं, अगर ऐसा कुछ आ गया तो करना पड़ेगा. जैसे अभी तुम लोगों ने क्वेश्चन किया था, मैं उसे थोड़ा शॉर्ट कर देता हूँ. कॉस एक्स इंटू कॉस टू एक्स इंटू कॉस फोर एक्स फाइंड, नहीं थोड़ा छोटा कर देते हैं, डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू पाई बाय फोर, लॉग लेके कर सकते हैं इसे, नहीं कर सकते. पाई बाय फोर पे ये जीरो हो रहा है, जब आप लॉग लोगे तो लॉग ऑफ कॉस टू एक्स आएगा, लॉग के अंदर जीरो पॉसिबल नहीं है. तो इसको अपन को प्रोडक्ट रूल से ही करना पड़ेगा, पहले फर्स्ट का फिर दोनों से, जैसे अपन ने किया था. लेकिन अगर ये मैं हटा दूं, अब लॉग लेके कर सकते हो. हाँ नहीं, वो क्वेश्चन ही ऐसा होता है. जैसे इसको अगर अपन डिफरेंशिएट करेंगे तो लॉग कॉस एक्स होगा, डिवीजन रूल से बहुत बड़ा हो जाएगा ना. तो जो होगा वो होगा, उसमें क्वेश्चन ऐसा नहीं होता. जैसे ये क्वेश्चन दे दिया, उसके साथ साथ लिखेगा एन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, वो पूरा लिखा होगा यहाँ पे ए बी सी ऐसा कुछ देगा, देन फाइंड ए प्लस बी प्लस सी, तो आप उसी से निकाल लेंगे, वो तो बन जाएगा. हाँ बस, अगर y की वैल्यू, अगर अपन x की वैल्यू डाल सकते हैं तो ठीक है. हाँ लिख लें, क्वेश्चन करें. दो क्वेश्चन इसके और बनाते हैं और फिर दो क्वेश्चन और अदर कंसेप्ट के. क्वेश्चन नंबर वन, हमने लॉग ले लिया क्योंकि कोई वैल्यू के लिए हमें डिफाइन करना नहीं था. कॉस एक्स कॉस टू एक्स कॉस फोर एक्स, लॉग वाई लॉग कॉस एक्स प्लस लॉग कॉस टू एक्स प्लस लॉग कॉस फोर एक्स, वन बाय वाई वाई डैश इक्वल टू वन बाय कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स,
फिर वन बाय पहले लॉग का होगा वन बाय कॉस टू एक्स, फिर कॉस का होगा माइनस साइन टू एक्स, और फिर टू एक्स का होगा इंटू टू, प्लस वन बाय कॉस फोर एक्स, सेम थिंग लॉग का फिर कॉस का माइनस साइन फोर एक्स, एंड देन फोर एक्स का फोर। तो वाई डैश आ गया है वाई इंटू माइनस पूरे में से कॉमन तो माइनस, इट इज टेन एक्स प्लस टू टेन टू एक्स प्लस फोर टेन लॉग वाई इक्वल टू डायरेक्ट लिख रहा हूँ लॉग साइन एक्स होगा प्लस लॉग साइन टू एक्स होगा अप टू लॉग ऑफ साइन एन एक्स होगा, ठीक है वाई डैश वन बाय साइन एक्स का कॉस एक्स, वन बाय साइन टू एक्स साइन का कॉस टू एक्स और टू का टू, वन बाय साइन एन एक्स एन एक्स का कॉस एन एक्स और इंटू एन। सो वाई डैश इक्वल टू वाई कॉट एक्स प्लस टू कॉट टू एक्स प्लस अप टू एन कॉट एन एक्स। वेरिएबल एक्सपोनेंट विद वेरिएबल बेस, मतलब इस तरह से अगर दिया है कि एफ एक्स की पावर दी है जी एक्स, साइन एक्स की पावर कॉस एक्स, एक्स की पावर लॉग एक्स, कुछ भी इस तरह का दिया है, तो ऐसे केस के लिए भी हम लॉग का यूज करते हैं। क्या करेंगे तुम्हें पता ही है क्या करेंगे, दोनों साइड लॉग ले लेंगे, तो ये जी एक्स मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो लॉग वाई इक्वल टू जी एक्स इंटू लॉग ऑफ एफ एक्स। नाउ प्रोडक्ट रूल, तो क्या हो जाएगा वन बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जी एक्स का पहले होगा जी डैश एक्स, अरे दो फंक्शन है ना, प्रोडक्ट रूल लगेगा जी डैश एक्स हो गया ये सेम रहा लॉग ऑफ एफ एक्स, फिर क्या फिर जी एक्स सेम, और फिर log एफ एक्स का क्या होगा वन बाय एफ एक्स, और फिर एफ एक्स का एफ डैश वन बाय एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, बस y का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इस पर मैं दो क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ आप बना के आइएगा, कोई डाउट है y इज इक्वल टू साइन एक्स टू द पावर ऑफ कॉस एक्स x to the power 10x.